हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज हम देखेंगे थ्री नाइट्स गेम और फोर नाइट्स गेम के ट्रैप्स। तो पहले देखेंगे थ्री नाइट्स गेम। e4, e5, नाइट f3, nc6, नाइट c3, इसे कहते हैं थ्री नाइट्स गेम। ब्लैक रिप्लाई देता है बिशप c5, नाइट टेक्स ई फाइव और d4। ये सेंटर लेने का एक अलग ही तरीका है, पीस देके पीस वापस लेना है और पॉन देके पॉन वापस, लेकिन सेंटर हमारे कंट्रोल में रहता है। बिशप टेक्स d4, क्वीन टेक्स d4। यहाँ नाइट को बचाने के लिए क्वीन f6, ये एक गलत मूव है। यहाँ पे ब्लंडर हो चुकी है क्वीन f6। कैसे? तो नाइट d5, एक्चुअली में ये गेम में क्वीन f6 ज्यादा सही मूव नहीं है, लेकिन इसी पोजीशन में अगर व्हाइट ने नाइट d5 किया और नाइट फोर की थ्रेट देने का प्लान किया तो ये सबसे बड़ी ब्लंडर है, क्योंकि व्हाइट की क्वीन अनसपोर्टेड है। नेक्स्ट मूव में नाइट सेक्रीफाइस आएगा, नाइट f3, g f3 और क्वीन टेक्स क्वीन, और सिंपल ब्लैक क्वीन अप हो जाएगा नाइट के बदले क्वीन। ओके, इसी पोजीशन में दूसरी ट्रैप क्या है दोस्तों, कि नाइट d5 के बदले व्हाइट अगर नाइट b5 खेलता है। से पहले हमने देखा कि नाइट d5 गलत मूव है, नाइट f6, नाइट f3 से क्वीन लॉस हो रही है, लेकिन नाइट b5 जो है वो क्वीन को प्रोटेक्शन दे रही है, इससे व्हाइट की गेम प्लस होती है। एक मूव इधर उधर होने में ब्लैक या व्हाइट कौन जीतता है आपको पता चल जाएगा। नाइट d5 में ब्लैक विनिंग है, नाइट b5 में व्हाइट विनिंग है। नाइट b5 के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा किंग d8। चलिए, यहाँ पे व्हाइट की बेस्ट चॉइस क्या है? व्हाइट को यहाँ खेलना चाहिए क्वीन c5 विद डबल थ्रेट, क्वीन c7, क्वीन f8, और यहाँ पे व्हाइट गेम आसानी से जीत सकता है। ओके दोस्तों, ये वाली ट्रैप बहुत ही बढ़िया है, इसमें आपको मजा आएगा। e4, e5, nf3, nc6, nf5 और f5। यहाँ पे व्हाइट कैन प्ले इजीली अटैकिंग d4, आफ्टर f takes e4, knight takes e5, ब्लैक रिप्लाई दे रहा है नाइट f6 और यहाँ बिशप c4। अब देखो, f7 को रोकने का ओनली मूव है d5, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे सैक्रिफाइस व्हाइट knight takes d5, आफ्टर knight takes d5 queen h5 चेक। बेस्ट चॉइस एक ही है g6 और knight takes g6, डिस्कवर चेक की थ्रेट है, और कौन टेक्स अगर नाइट लिया तो क्वीन टेक्स रूक लॉस हो रहा है। ब्लैक नाइट f6 काउंटर अटैक कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे कम्प्लीटली व्हाइट विनिंग है, बिशप सेक्रीफाइस देना है बिशप f7, आफ्टर king takes f7 और king d7, दो ऑप्शन है यहाँ पे। king takes f7 में बहुत ही जल्दी चेकमेट होगी, knight e5 डिस्कवर चेक, किंग गोज टू e7, क्वीन d7 चेक और knight c4 चेकमेट। ओके, यहाँ पे अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो दूसरा ऑप्शन है किंग d7, यहाँ भी व्हाइट विनिंग है क्वीन f5, किंग d6, देन बिशप f4, फोर्स चेक, नाइट इंटरपोज, बिशप टेक्स नाइट, और उसके बाद सिंपल क्वीन इंटू नाइट, और पीस अप होने के बाद रुक भी मिल रहा है। पीस तो मिल ही रहा है, लेकिन रुक भी मिल रहा है, जैसे कि फोर्स है क्वीन टेक्स क्वीन, और उसके बाद बिशप टेक्स क्वीन, आफ्टर पॉन टेक्स नाइट, बिशप टेक्स रुक। तो यहाँ पे आप कम्प्लीटली रुक प्लस हो जाते हो, दो बिशप के सामने पैर ऑफ बिशप और वन रुक के सामने टू रुक, तो ये भी इजीली विनिंग हो जाती है गेम। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।
ओके दोस्तों, अगले जो ट्रैप्स है वो चार ट्रैप है, वो चारों चार ट्रैप फोर नाइट गैम्बिट के हैं, फोर नाइट गेम्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहली फोर नाइट, E4, E5 एंड F3, और दोनों के दोनों नाइट बाहर आ चुके हैं बिशप C4। बहुत सारी गेम्स ऐसी भी हुई है, BB4 यहाँ पे कैसल, ब्लैक रिप्लाई देगा D6 अपना लाइट स्क्वायर बिशप डेवलप करने के लिए, नाइट D5 बिशप G4, हियर कम्स द पिन। लेकिन ये गलत पिन है, स्टार्टिंग में पिन करना अच्छा नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। वाइट यहाँ कैसे अटैक कर सकता है, सबसे पहले तो C3, बिशप C5, उसके बाद नाइट D3। ब्लैक अगर इस पोजीशन में मिस्टेक करता है नाइट E7, तो यहाँ बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। नॉर्मल गेम चलती तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रैप नहीं है, लेकिन सेंटर वाइट के फेवर में है, D4 हो रहा है, नाइट E7 ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे जबरदस्त सेक्रीफाइस मैं बताऊंगा, नाइट टेक्स E5, आफ्टर पॉन टेक्स नाइट। यहाँ पे पॉन टेक्स नाइट में सिंपल आपको अपना पीस वापस मिल रहा है एक पॉन प्लस के साथ, नाइट F6 चेक, जी टेक्स F6 और क्वीन इनटू बिशप। लेकिन अगर ब्लैक ने आपकी क्वीन ही मार ली तो फिर मेटिंग अटैक शुरू होता है। यहाँ पे बिशप इनटू D1, नाइट F6 चेक, आफ्टर जी टेक्स F6, बिशप F7 चेक, किंग F8 एंड बिशप H6, दिस इज अ चेकमेट। तो क्वीन लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है।
दोस्तों ये वाली ट्रैप आपने देख ली, जैसे कि E4 E5, और ये सिंपल दोनों साइड से कैसल हो रहा है। कैसलिंग के बाद D3 D6 सिमेट्रिकल मूव ब्लैक रिप्लाई दे रहा है सभी सेम मूव, Nd5 Nd4 Bc4, और यहाँ पे ब्लैक अपना मूव चेंज कर सकता है जैसे कि Qd7। अब देखो व्हाइट को लगता है कि ये अनपिन हो गया है नाइट, तो इसे बिशप टेक्स नाइट मारेगा, पॉन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैक के फेवर में गेम आ जाती है आफ्टर नाइट टेक्स B5। यहाँ पे व्हाइट ने ब्लैक ने सेक्रीफाइस किया है बिशप, लेकिन नाइट इंटू B5 बहुत ही गलत मूव है। यहाँ पे नाइट बिशप टेक्स F3 Gxf3 एंड Qxh3 अनस्टॉपेबल चेकमेट होगी, नाइट F3 जो कोई भी रोक नहीं सकता, और इसके बाद अगर ब्लैक ने रिप्लाई दिया बिशप टेक्स F3 तो सिंपल नाइट F3 चेक, आफ्टर क्वीन टेक्स F3 आपको क्वीन मिल रही है और दो माइनर पीस के बदले क्वीन इज गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये लास्ट वाली ट्रैप है 4 नाइट गैम्बिट में, लेकिन इसमें सिमेट्रिकल ही ब्लैक करता जा रहा है। देखिए सेम मूव कैसल कैसल D3 D6 बिशप और बिशप Nd5 Nd4। यहाँ पे वाइट नाइट इंटू B4 करता है और ब्लैक भी सामने नाइट इंटू B5 करता है, वापस से व्हाइट Nd5, ब्लैक वापस से कॉपी कर रहा है Qd2, ब्लैक रिप्लाई दे रहा है Qd7, लेकिन ये सबसे बैड मूव है। यहाँ पे व्हाइट टू प्लेन विन है बिशप टेक्स F6, हालांकि ऑफकोर्स बिशप पॉन टेक्स बिशप पॉसिबल नहीं है, नाइट फॉर्क में क्वीन लॉस हो रही है, तो ब्लैक भी सेम रिप्लाई देने जाता है बिशप इंटू F3, लेकिन ये सबसे बैड मूव होगी नाइट E7 चेक। अब यहाँ से White to play mate in 3 या 4 moves, king force bishop sacrifice, king take bishop, queen g5 check, king h8 and queen f6 checkmate। तो कई बार कॉपी करना भी बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही बुरी मूव होती है, बैड मूव होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द इटालियन गैम्बिट की ट्रैप्स, बहुत फेमस ओपनिंग है इटालियन ओपनिंग, बहुत सारे लोगों ने नाम भी सुना होगा और खेलते भी होंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सारे बहुत सारे इसमें ट्रैप्स है इटालियन में और बहुत मज़ा आएगा इटालियन गैम्बिट सीखने में। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।